हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अभी तक कितना सेट हो चुका है आपका? सेट 16 हो चुका है, ठीक है। सेट 16 आपका हो चुका है और आज आपका सेट 17 स्टार्ट होगा। सभी को मालूम है अभी तक कितना क्वेश्चन हो चुका है? 480 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। 480 क्वेश्चन हो चुका है अब से, मतलब 16 सेट हो चुका है और आज आपका सेट 17 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आज कराया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए और अपने आप को जज करें कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। और हाँ गाइस, एग्जाम में एक भी छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है, जनरल साइंस से, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, ठीक है। क्लास क्या पूछ रहा है? अल्फा, बीटा, गामा कण, ये तीन कण आपको दिया गया है, ठीक है। तीनों में ऊर्जा क्या है? समान दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता इसमें किसका होगा, ठीक है। तो ऑर्डर के हिसाब से हमको सजाना है। तो पहले ये समझेंगे भेदन क्षमता क्या होता है। भेदन क्षमता क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर इसे हम लोग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को भेदना, मतलब होल करना, ठीक है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक सीट लिया गया है, उसके उसके ऊपर एक लाइट या रे को हम लोग पास करा रहे हैं। अगर ये पास हो जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है? ये इसको पेनिट्रेट कर दिया है, ये समझेंगे। तो अल्फा, बीटा, गामा दिया गया है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता है गामा का होता है, ठीक है। उसके उससे कम किसका होता है? बीटा का। और सबसे कम किसका होता है? अल्फा का होता है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा और क्या होगा? गामा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ठीक है, इसको नोट कर ले। और ये भी बताया गया था कि अल्फा, बीटा और गामा का चार्ज क्या होता है? ये उदासीन होता है, ये इसमें माइनस और इसमें प्लस, मतलब प्लस माइनस जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, केवल डाटा दिया है और आपको बनाना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण से एक मीटर, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैसे मान लिया जाए ये क्या है? आपका मिरर है, ठीक है। मिरर से एक मीटर दूर पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति क्या है? खड़ा है, ठीक है, एक मीटर दूर पर। तो ये पूछा जा रहा है कि व्यक्ति अगर 40 सेंटीमीटर मिरर के तरफ जाए, मतलब मान लिया जाए 40 सेंटीमीटर यहां पे चला गया, ठीक है, अब ये व्यक्ति यहां पर है, तो इसका इमेज जो बनेगा, इमेज मान लिया जाए यहां पर बनेगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा यह पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम है कि मिरर के इस तरफ जितना दूरी होता है, मिरर के उस तरफ भी क्या होता है? सेम दूरी होता है समतल दर्पण में। तो यहाँ पे व्यक्ति का क्या होगा? इमेज बनेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये कितना बचा? आप 60 सेंटीमीटर बचा, 40 सेंटीमीटर तो चल चुका है, ठीक है, ये कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 कितना होता है? 120 होता है, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है 120 सेंटीमीटर, नहीं दिया है, तो कैसे बनाएंगे इसको? मीटर में कर देंगे, तो 1.2 मीटर ये दिया हुआ है। ऑप्शन में है कि नहीं ये वाला? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1.2 मीटर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद्युत और चुंबकीय बलों से गुरुत्वाकर्षण बल का अंतर, मतलब एक तरफ आपको क्या दिया गया है? विद्युत बल, विद्युत फोर्स दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक तरफ दिया गया है और दूसरा तरफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो आप सभी को मालूम है कि जो विद्युत फोर्स, विद्युत फोर्स या तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, और चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। मतलब इन इलेक्ट्रिक फोर्स किस टाइप का नेचर का होता है? आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है और क्या होता है? विकर्षण भी होता है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण केवल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? केवल
आकर्षण होता है, ठीक है। तो यही लोग ये में क्या है, अंतर है। और भी अंतर है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा कम होता है विद्युत बल के तुलना में। तो हम लोग को ऑप्शन चेक करना होगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 483। ऑप्शन क्या दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है जबकि विद्युत और चुंबकीय बल आकर्षण बल के साथ साथ क्या है, विकर्षण बल भी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर ले, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ से कुछ का निर्माण किस कानून के खिलाफ है, ठीक है। मतलब कि क्रिएशन ऑफ समथिंग क्या होता है, किसी भी चीज का निर्माण होना क्या कहलाता है। तो ऊर्जा मास एनर्जी कंजर्वेशन उसे कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी मास एनर्जी कंजर्वेशन। मास एनर्जी जन ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, ठीक है, मास एनर्जी कंजर्वेशन, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन क्या दिया गया है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर समान गति से घूम रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2000 गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो हम सभी को मालूम है कि फोर्स बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये भी होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों आपका होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोटॉन का होगा या तो इलेक्ट्रॉन का होगा, तुलना करना है। तो प्रोटॉन का क्या दिया है, मास 2000 गुना ज़्यादा है, तो प्रोटॉन के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, 2000 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक केंद्रीय बल प्रोटॉन द्वारा आवश्यक बल से 2000 गुना अधिक होगा, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, ठीक है। प्रोटॉन द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक बल के 2000 गुना अधिक होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक वस्तु को जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर यह जमीन के स्तर से 1 मीटर ऊंची टेबल पर गिराया जाता है, तो इस संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसको समझेंगे पहले, ठीक है। जैसा मान लिया जाए ये आपका क्या है, ये ग्राउंड है और ये 3 मीटर हाइट पर क्या है, किसी वस्तु को हम लोग रखे 3 मीटर हाइट पर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3 बराबर भाग में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते, बांट दिए। अब क्या बोल रहा है कि ऊपर से क्या होगा, 1 मीटर हाइट पर एक टेबल रखा गया है, वहाँ पे आकर वस्तु गिर जाता है। मान लिया जाए यहाँ पे कोई वस्तु है ऊपर से नीचे आता है, तो कितना आया, 2 मीटर कम, 2 मीटर चला, मतलब 1 मीटर पर आया है, तो 2/3 क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना था, 3 था, ऐसे हम लोग समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है, ये होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, आप सभी को मालूम है। तो हाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, गिराया जा रहा है, हाइट कम किया जा रहा है, तो कितना कम किया जा रहा है, टोटल का, टोटल कितना था, 3 था, कितना कम किया गया, 2 कम किया गया, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाई 2/3, ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटकर क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, समान सामग्री और समबाहु लंबाई वाले कंडक्टर के 2 टुकड़े के साथ श्रृंखला में जोड़े गए हैं, ठीक है, समझना है क्वेश्चन को, समझना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझना है। तो क्या बोला गया, यहाँ पर 2 वायर है, ठीक है, दोनों वायर को क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है, एक मोटा है और एक क्या है, पतला है, मोटा वाला का एरिया क्या है, 2 गुना है, और पतला वाला का क्या है, एरिया कम है। मान लिया जाए इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल 2a, ये बोला गया है, और इसको क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो करंट क्या होता है, दोनों में समान फ्लो होता है, ये तो सभी को मालूम है। तो क्या होगा, करंट समान फ्लो होगा, और क्या होगा,
हीट क्या होगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो हीट बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये होता है, ठीक है, सभी को मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया अगर जितना ज़्यादा रहेगा हीट उतना कम होगा, ठीक है, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया अगर कम होगा तो हीट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो दोनों में समान करंट फ्लो होगा और मोटे वाले तार में हीट कम होगा, पतले वाले तार में ज़्यादा हीट होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों टुकड़े में विद्युत प्रवाह की समान मात्रा प्रवाहित होगी, ये हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट समान फ्लो करता है, लेकिन पतले वाले भाग में हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, केवल क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक वायर बाउंड मानक प्रतिरोधक मैग्नीन या स्थिरांक का उपयोग करता है, इसका रीज़न क्या है, ये किस लिए किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसके जो रेजिस्टिविटी, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एक हद तक टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो कुछ समय तक ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी, तापमान के साथ क्या होता है, तापमान के साथ रेजिस्टेंस अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मैग्नीन या स्थिरांक का उपयोग जो किया जाता है वो मैक्सिमम कॉपर और निकल से बना होता है, ठीक है, मैक्सिमम ये दो सब्सटेंस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, कॉपर और निकल, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसा एलॉय हम लोग बनाएंगे जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, तो हम लोग को ये दोनों चुनना होगा, ठीक है, कॉपर और निकल, और भी रहते हैं लेकिन ये मेजर ज्यादा इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, मेजर मात्रा में रहता है कॉपर और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो सभी को मालूम है क्या होगा इसके आंसर, लेड पेंसिल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है लेड पेंसिल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हो चुका है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया था ये इस बार ना आए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो सब क्वेश्चन को पढ़ के जाना एग्जाम के बेस से। तो सोडियम धातु को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, किरोसिन के तेल में, ठीक है, ऑप्शन बी, मिट्टी के तेल में, हम लोग क्या बोलेंगे, मिट्टी के तेल में, किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी व्यक्ति के रक्त में शराब के स्तर को अनुमानित करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जिस व्यक्ति का परीक्षण हो रहा है वह अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट के समाधान वाले बैग में मुखपत्र में फूंकता है, ठीक है, तो इथेनॉल के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने के बाद कौन सा रंग बदलता है। इतना सारा, इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन शॉर्टकट में समझे तो क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति शराब पीकर ड्राइविंग करता है तो पुलिस क्या करता है, उसको एक बैग देता है, एक थैला देता है, फूकने के लिए देता है, एक मशीन देता है जिसमें वो क्या करता है, वो चेक करता है कि ये शराब पिया है या नहीं पिया है, ठीक है, ड्रिंक है या नहीं, तो कैसे समझेंगे, वो जो बैग रहता है उसमें आपका क्या रहता है, सोडियम डाइक्रोमेट, वो जो बैग होता है थैला उसमें क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके
अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो पहले किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का, ठीक है। ऑरेंज कलर का ये होता है जब अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया, यानी यदि कोई वो व्यक्ति शराब पिया है, अल्कोहल लिया है, तो रिएक्शन करके क्या होगा? रिएक्शन करके क्या बना देगा? कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, अगले बार भी पूछा गया था, ठीक है, आरआरबी जेई में। तो इस बार भी चांस है आपको पूछ दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको जितना ज्यादा मिले आप उतना ज्यादा पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपका ही फायदा है। तो सोडियम डाइक्रोमेट अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या होता है? कलर चेंज कर देता है, मतलब ऑरेंज से क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। अगर वो बैग में जो कलर है वो अगर चेंज होकर हरा हो जाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? शराब पिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर ले, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑरेंज टू ग्रीन। पानी के नीचे उच्च दबाव पर सांस लेते समय भंग गैसों की उच्च सांद्रता के कारण गोताखोरों जो स्विमिंग करता है उसको खतरा रहता है, इसका रीजन क्या है? देखो, जो गोताखोर होता है उसमें एक ऑक्सीजन का दिया जाता है, ठीक है, कंटेनर दिया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि किससे भरा होता है? तो हीलियम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हीलियम क्या होता है? ये निष्क्रिय गैस है, सभी को मालूम है। हीलियम गैस क्या होता है? ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एयर हीलियम के साथ क्या होता है? मिलाकर दे दिया जाता है, ठीक है। हीलियम क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर ले, एयर डाइल्यूट विथ हीलियम, एयर डाइल्यूट विथ हीलियम, हीलियम, ठीक है, हीलियम मिश्रित वायु, इसको क्या बोलेंगे? हीलियम मिश्रित वायु। ये गोताखोरों को दिया जाता है, ठीक है, सुबह ड्राइवर को दिया जाता है। अगला क्या है? परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो परमाणु विखंडन में से कौन सा ऐसा टर्म है जो आवश्यक नहीं होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर, त्वरक, ऑप्शन सी एक्सीलरेटर, त्वरक, ठीक है। ये विखंडन के लिए क्या होता है? आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तांबे या निकेल जैसी धातु से बने समान आभूषण को सॉल्ट ऑफ गोल्ड के घोल में रखा जाता है तो सोने की पतली परत किसके द्वारा जम जाती है? तो ये इसका रीजन क्या होता है? उसमें करंट पास होता है, ठीक है, करंट पास जब किया जाता है तब वो क्या होता है? जम जाता है, ऑप्शन सी पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे जैसे सेट आपका नंबरिंग बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का भी लेवल आपको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है जिससे बाहर एग्जाम में आने का कोई चांस ना हो, ठीक है, इसी के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारी पानी का अर्थ क्या है? तो भारी पानी को किस नाम से जानते हैं? यह भी बताया गया है, भारी पानी ऐसे नॉर्मली क्या होता है? पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, यह साधारण जल है, ठीक है। अगर भारी पानी दिया है तो क्या होगा? D2O होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ड्यूटेरियम जल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ड्यूटेरियम जल, ड्यूटेरियम जल बोलते हैं इसको, ठीक है, ड्यूटेरियम वाटर, इसको नोट कर ले। गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एक महक एजेंट एलपीजी सिलेंडर्स में जोड़ा जाता है? मतलब गंध का पता लगाने के लिए एलपीजी सिलेंडर में कौन सा जोड़ा जाता है? थायो इथेनॉल, ऑप्शन बी, इसको नोट कर ले, थायो इथेनॉल। ये सब आपका क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। एक शरीर पर नकारात्मक चार्ज, मतलब एक बॉडी पर नकारात्मक चार्ज है तो इसका मतलब क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। नकारात्मक चार्ज मतलब केमिस्ट्री में जैसे हम लोग इंटर किए तो सबसे पहले यही पढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तो इसका मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज हो चुका है। जैसे ए है, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, इसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण किया है। तो क्वेश्चन उल्टा पूछा गया, घुमाकर पूछा गया है, ये पहले से नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, लिया होगा। ये क्वेश्चन बस घुमा दिया गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा चार्ज होता है, तो सभी को मालूम है नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया है, क्यों हुआ है, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या है, आकर्षित किया है, लिया है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह समुद्र के पानी से नहीं गलती है, मतलब समुद्र के पानी से उसको किसी तरह का कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो कौन सा धातु लिया जाता है, टाइटेनियम, ठीक है, ऑप्शन डी टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम पानी का जहाज बनाने के लिए टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे याद करेंगे, पानी का जहाज एक टाइटेनिक भी था, ठीक है, पानी का जहाज क्या था, एक टाइटेनिक था, जो सभी को मालूम है। तो टाइटेनिक से हमारा क्या आएगा, टाइटेनियम आएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्टेक्स लेंस किससे बने होते हैं, तो कॉन्टेक्स लेंस आपका किससे बनाता है, लूसाइट, ठीक है, लूसाइट से बना होता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन सी लूसाइट, कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है, लूसाइट से बना होता है। पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कार, बसों, ट्रकों आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है, इसका रीजन क्या है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब बीच में गाड़ी कोई किसी तरह का कोई भी व्हीकल खराब हो जाता है, रुक जाता है, तो पानी ढाला जाता है, इसका रीजन क्या है, पानी का सबसे ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वेरी हाई, इसीलिए। बायोमास के एक पिरामिड में सहकारी ऊपर किस स्थान पर आते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब पर्यावरण के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो बायो के अंडर में ही आता है। तो बायोमास का एक पिरामिड में सहकारी ऊपर किस स्थान पर आते हैं, तो तीसरा स्थान में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तीसरा स्थान में, ठीक है, थर्ड। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज का प्रमुख घटक क्या है, सेलुलोज का प्रमुख घटक क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए सेल वॉल। ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा इकोसिस्टम जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, तो महासागर, ओशियन, ठीक है, ऑप्शन ए ओशियन, महासागर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम है, ठीक है। और स्टेबल का मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है, स्थिर होता है, अत्यंत स्थिर, मोर अगर स्टेबल हो तो क्या होगा, अत्यंत स्थिर, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, महासागर। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, क्या होगा, मलेरिया, ठीक है, ऑप्शन सी मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह सुबह सूरज की किरणों को ग्रहण करने से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। अब ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ के नहीं जाएगा वो भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या होगा, विटामिन डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पौधों की विविधता और घनत्व में सबसे समृद्ध है, कौन सा क्षेत्र होता है
तो हमारा गर्म उष्णकटिबंधीय, ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल, ऑप्शन ए गर्म उष्णकटिबंधीय, इसको नोट कर ले, वार्म ऑप्टिकल, ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल। अगला क्वेश्चन, जीवित जीव और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवित जीव और पर्यावरण के बीच जो लॉजिक जो स्टडी किया जाता है साइंस, उसको क्या बोला जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इकोलॉजी, ठीक है, और इसका हिंदी नाम क्या है? पारिस्थितिकी, इसको देख ले, हिंदी नाम थोड़ा टफ होता है, ठीक है, इंग्लिश नाम ज्यादा बेटर होता है, बहुत केस में रेयर केस होता है जहां पर हिंदी आप समझ सकेंगे, इंग्लिश में अगर याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। झीलों या तालाबों में वनस्पति और जीवों को क्या कहा जाता है? तो लेंटिक बायोटा, इसको क्या कहा जाता है? लेंटिक बायोटा कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके जुबान पर रहना चाहिए, मतलब क्वेश्चन पढ़े और आंसर देंगे, ठीक है, ऑप्शन ए लेंटिक बायोटा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी तक आंसर भी आ चुका होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा? 5 जून, ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा लास्ट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूं जो एग्जाम में आने वाले रहते हैं, ठीक है, तो वाष्पीकरण और वर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किस रूप में जाना जाता है? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कैल्शियम साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जब यहाँ पे वर्षा का बात हो रहा है तो वर्षा में ना तो कार्बन, ना तो नाइट्रोजन, ना तो कैल्शियम, ये तीनों नहीं रहता है, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल आपका क्या होगा आंसर होगा, इसमें हाइड्रोजन भी रहता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या तो चक्र बोल सकते हैं, ठीक है, और इसका हिंदी नाम भी क्या है? यही हाइड्रोलॉजिकल चक्र। आज का क्लास यहीं खत्म होता है, ठीक है, धन्यवाद।